हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बकरा ईद आने वाला है तो बकरा ईद की तैयारी करना है। घर में बहुत सारा झोल जम गया है, घर का झोल झाड़ना है, खाना पकाना है, फिर घर झाड़ू देना है, तो इतना सारा काम है। और बच्चे लोग तो टाइम होने से बच्चे लोग तो खाना मांगते हैं, बच्चे लोग को फिर खिलाना है। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा न्यू नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच जाए। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं से शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कितना सारा झोल जम कर है। और यहाँ देखिए ये इतना सारा झोल जम गया है ना, तो आज मुझे ये सारे झोल को साफ करना है। बकरा ईद का 2 दिन बाकी है तो जल्दी से घर झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि घर जब गंदा रहता ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग तो हर पर्व में ऐसे ही घर को झाड़ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही अब बकरा ईद आ गया है तो घर को झाड़ लेना है। और ऐसे बीच बीच में भी हम लोग झाड़ते हैं और फिर पर्व भी आने से बीच में झाड़ते हैं। तो बहुत सारा झूल जम गया था तो मैं सोची सुबह सुबह आज मैं खाना को चढ़ा दी थी एक तरफ, वो खाना बन रहा था, तो फिर मैं दूसरे तरफ यहाँ पर मैं घर को झाड़ रही थी। तो यहाँ पर मेरा ये रूम को झाड़ना अभी हो रहा है जब तक वहाँ पर खाना मेरा बन रहा है। तो यहाँ ना झूल बहुत, इसमें झूल झड़नी में ज़्यादा जब जम जाता है तो मैं ऐसे खिड़की में झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पिलर का यहाँ कोना कोना में भी बहुत सारा झूल जमा हुआ है। तो ऐसे ही मैं झूल को चारों तरफ से मैं झाड़ लेती हूँ। और ये जब रूम जब पेंट हुआ था ना तो ये मेरा पसंद का पेंट था, वो मिस्त्री ना दूसरा कलर दे रहा था तो मैं बोली कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है तो दूसरा फिर पेंट। वो एक रंग दो रंग से ना कितना रंग बना चुका था तो वो बोले देखिए भाभी आपको पसंद है ना, बोले हाँ ठीक है अब ये रंग पसंद है मुझे। तो ये रूम में जितना कलर है सब ये कलर मेरा पसंद का है। तो अब मुझे कमेंट करके बताइए जो सारा रूम का जितना कलर है ये कैसा लगा आप लोग को। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इस तरफ भी बहुत सारा झूल जम जाता है। ये किचन के सामने का तरफ है, ये पतला सा गली है, यहाँ पर किचन और बाथरूम अगल बगल है तो यहाँ पर बहुत झूल जम जाता है किचन के वजह से। तो अब मैं यहाँ भी झाड़ लूँगी। और ये झूलझरनी जो है ना, ये ऐसा टाइप का झूलझरनी होने से तो देख सकते दीवार भी बहुत अच्छा से साफ़ होता है। मास्क पहन के मैं घर को झाड़ती लेकिन मुझे बहुत जल्दी था ना, तो बच्चे लोग को फिर टाइम से आ जाते हैं तो बच्चे लोग फिर खाने मांगते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी के लिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी करके फिर झाड़ दी यहाँ पर सारा रूम को। तो मैं मास्क भी नहीं पहनी तो मैं ऐसे ही मुंह में दुपट्टा दे के काम कर ली। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, देखिए पंखा में भी बहुत सारा झोल जम जाता है। तो पंखा में ना जो ये किनारे किनारे जो झूल जो जमता है ना तो पंखा का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही पंखा को अगर बीच बीच में पोंछ लेने से तो पंखा के स्पीड बढ़ जाता है। तो अगर पंखा अगर कभी भी पोंछना है तो मेन स्विच ऑफ करके पंखा को पोंछना चाहिए। तो ऐसे ही मैं दो बार ऐसे पंखा को दो बार ऐसे दो लत्ता मार लेती हूँ। लाइटिंग के पास यहाँ कोना कोना में ऐसे लत्ता को भिगा के अच्छा से पोंछ देने से जो उसका झूल जो होता है सारा झूल निकल जाता है। वो लंबा डंडा से ना वो आप दीवार को झाड़ सकते हैं लेकिन यहाँ जो स्लाइटिंग का जो कोना कोना है वो सिर्फ आप कपड़ों को भिगा के ही साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे ही कपड़ों को ऐसे भिगा लेती हूँ तो ऐसे पूरा क्लीन हो जाता है, कोना कोना पूरा साफ़ कर देती हूँ। और ये पलंग का जो कोना है यहाँ भी सब कोना कोना में सब झूल जम जाता है। तो ऐसे ही मैं सारे जगह को पोंछ लेती हूँ तो क्लीन हो जाता है। बकरा ईद का सिर्फ 2 दिन बाकी है तो मैं जल्दी से घर झाड़ लूँगी और चादर को नहीं बदलूँगी, चादर को झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि बकरा ईद में भी मुझे बदलना है, सिर्फ 2 दिन बाकी है। इसलिए मैं
चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा दूंगी। और मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है पलंग का काम, क्योंकि फिर मेरी बेटी आने वाली है, एक बजने जा रहा है, तो जल्दी से मैं कंप्लीट कर दूंगी तो वो फिर आके फिर सोएगी, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठती है। तो मुझे ये भी चीज़ को ख्याल रखना है, खाना भी बनाना है, घर भी झाड़ना है और सबसे पहले पलंग को भी साफ़ करना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके नीचे में मैं झाड़ू नहीं दी थी, सबसे पहले मैं पलंग को साफ़ कर ली थी। तो अब मैं जल्दी जल्दी करके चादर को बिछा दूँगी। और यूट्यूब मैं सिर्फ और सिर्फ अकेली ही मैं अपने ही बल पे बनाती हूँ, सारा घर का काम करना और यूट्यूब बनाना, फिर भी मुझे कुछ सपोर्ट कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स, मैं अकेली ही बनाती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जब भी यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ तो घर में किच किच होता है, हाँ बोले यूट्यूब से क्या होगा, यूट्यूब से क्या होने वाला है, यूट्यूब में हाँ कुछ नहीं होता है, यूट्यूब में इतना तुम मेहनत करती हो कुछ होता है नहीं, हाँ तो यूट्यूब में जो जब भी बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल अपने ही दम पे बनाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब मेरा देखिए यहाँ पर चादर लगाना कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तकिया को भी लगा दूँगी। तो तकिया का गुलाब भी नहीं बदली मैं, वो बकरा ईद का सिर्फ 2 दिन बाकी है ना, तो उसी दिन मैं चादर और गुलाब दोनों बदल लूँगी। किचन का भी मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, खाना भी बन गया है, किचन भी साफ हो गया है, क्योंकि जल्दी से मुझे खाना पकाना था, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो भूख लगता है, तो सारा काम को ध्यान में रख कर काम करना है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, तो देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है किचन भी, और रूम अभी सिर्फ झाड़ू देना बाकी है, बाकी पूरा काम हो चुका है, घर झाड़ना, किचन साफ करना, खाना बनाना, सारा काम हो गया है। अब मैं घर को भी झाड़ू दे दूंगी, जो घर झाड़ू दे देने से तो फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा बड़ा जो कचड़ा निकलता है ना, तो मैं सारी कचड़े को पहले फेंक देती हूँ, फिर जो छोटा छोटा कचड़ा रहता है तो फिर उसे झाड़ू की मदद से ऐसे ही लगातार झाड़ू देकर फिर मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। बहुत गर्म लगता है फ्रेंड्स, लगातार अगर काम करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग को तो करना पड़ता है, अगर हम लोग नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। बच्चे लोग को भी साफ़ सफाई रखना, घर को साफ़ सफाई रखना, तो हम लोग का ये जिम्मेदारी है। घर को अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो फिर बच्चे लोग का तबीयत ख़राब होता है। तो हम लोग मम्मी लोग को यही चीज़ में ध्यान रखना है कि हर जगह हर एक चीज़ को साफ़ रखना है, किचन, घर, बाथरूम, हर एक चीज़ को साफ़ रखना है। Thank you.